फ्रेंड्स, मैं आम सूर्य हूँ। आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। साहो का नया गाना रिलीज हो गया है, इसका नाम है एनी सोनी। तो ये गाना गाया है गुरु रंधावा ने और तुलसी कुमार ने। वैसे गुरु रंधावा के जो गाने होते हैं वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस गाने में कुछ खामियां खामियां जरूर नजर आई। स्पेशली गाना, देखो गाना उतना ऐसे नहीं कहूंगा बुरा है, गाना ठीक ठाक है, बट आई थिंक कहीं ना कहीं कनेक्शन नहीं हुआ मुझे। मे बी विजुअली स्टनिंग है जो गाना है, दो ढाई मिनट का, विजुअली बहुत स्टनिंग है। प्रभास श्रद्धा बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हो, एकदम ग्लोइंग लग रहे हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं, बट स्टिल देयर वाज नॉट कनेक्शन। आई थिंक मुझे एक तो लिपसिंग का इश्यूज होता है, वो तुरंत नोटिस होता है प्रभास की लिपसिंग या फिर श्रद्धा कपूर की लिपसिंग। लिपसिंग का थोड़ा सा इशू लग रहा है। कोरियोग्राफी में थोड़ा जान जरूर है, वैभव मर्चेंट ने जान जरूर डाली है डांसिंग स्टेप्स वगैरह में, बट कहीं ना कहीं आई डिडंट फाइंड एट ऑल कनेक्टिंग विद माय हार्ट। आई डोंट नो व्हाई, आई एम नॉट अगेंस्ट द मूवी और एनीथिंग, बट मुझे गाने से मैं कनेक्ट नहीं कर पाया जरा भी। कुछ भी पता नहीं क्या रीजन होगा, आई डोंट नो, बट हाँ कुछ लगा कि कनेक्शन मिसिंग है। मे बी ओरिजिनल सॉन्ग जो ओरिजिनल लैंग्वेज में आएगा वो उससे आप कनेक्ट हो सको, बट यहाँ पर मैं आई डिडंट गॉट कनेक्टेड एट ऑल विद द सॉन्ग। म्यूजिक इज गुड एट सम टाइम, एडिटिंग में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा वियर्डेस्ट लगा कुछ सीन्स में, जहाँ पे अचानक फ्लिकर्स एकदम आने लगते हैं स्क्रीन पर, दो से तीन बार ऐसा होता है और गानों में, जो मुझे पसंद नहीं आया जरा भी। एंड फॉर मी आई विल डेफिनेटली गोइंग टू गिव इट एन एवरेज रेटिंग ऑफ 50% फॉर दिस सॉन्ग। होपफुल सम अदर सॉन्ग्स कम एंड वो मुझे शायद अच्छा लगे, बट आई डिडंट गॉट कनेक्टेड विद दिस सॉन्ग। एंड होपफुल द फिल्म डू द रॉकिंग व्हेन इट रिलीज ऑन 30 अगस्त। आपको कैसा लगा एन्नी सोनी एन्नी सोनी ये गाना, जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना भूलिएगा। ठीक है।